नए मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन के नए नियम के विरोध में परिवहन विभाग की बसों समेत कमर्शियल वाहन और ऑटो रिक्शा चालक पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी लखनऊ के आलमबाग, चारबाग और केसरबाग बस अड्डों पर चालकों के प्रदर्शन से यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केसरबाग बस अड्डे पर यात्री सुबह से बस संचालन के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं, लेकिन चालकों की हड़ताल के चलते उनकी सुनने वाला कोई नहीं। कुछ यात्री दूर जिलों से अपने बच्चों का इलाज कराने मेडिकल कॉलेज आए थे, लेकिन वापस जाने के लिए उन्हें कोई भी संसाधन नहीं मिल रहा है। कई घंटों से बस अड्डे पर बैठकर आस लगाए हैं कि शायद बस चले और वह अपने घर जा सके। एक यात्री ने अमृत विचार से बातचीत करते हुए बताया कि वह अपनी बच्ची का इलाज कराने आए थे, जब वापस जाने लगे तो पता चला कि बसों का संचालन बंद हो गया है। ऐसे में भीषण ठंड में वह कहां रुकेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन को लेकर नया कानून बनाया गया है, जिसके तहत वाहन चलाने पर किसी की मौत हुई तो चालक को 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस कानून के विरोध में चालकों ने सोमवार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लखनऊ के चारबाग, आलमबाग, केसरबाग, अब्बर डिपो में रोडवेज अनुबंधित और साधारण बसों के चालकों ने भारत सरकार के नए नियम के विरोध को लेकर संचालन ठप कर दिया है। इसके बाद परिवहन निगम के अधिकारी लगातार सभी डिपो के चालकों को समझाने के साथ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन चालक मानने को तैयार नहीं है। लगभग खड़े हैं सुबह वही 4-5 बजे के आसपास से, कोई बस नहीं है। बस बताया जा रहा है यही सर कि बसें नहीं मिल पा रही हैं, यहाँ स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक चलने का सर मतलब यही है कि मतलब यही वह है कि मतलब अब जो ड्राइवर गाड़ी लेके रोड पे मार्ग पे जा रहा है उसको 7 लाख रुपए का जुर्माना दिया जा रहा है और उसके बाद फिर 10 साल जेल भेजी जा रही है। तो कौन चालक जाएगा अपनी गाड़ी चलाने मार्ग पे ना, गलत करें, इसका दुरुपयोग होगा, प्रयोग नहीं होगा सर ना। इसको जो आम पब्लिक है उसका दुरुपयोग करेगी, प्रयोग नहीं करेगी। शराबस्ती कहाँ जाना है आपको? शराबस्ती को फिर वापस जाना है रहे बच्चे के दवा कराने के लिए। अच्छा, तो कब से बैठे हुए हैं आप? यहाँ करीब 2 घंटा से बैठे हैं, ढाई। बस नहीं मिल रही? बस नहीं मिल रहा है। क्या कुछ बताया यहाँ पे आपने? अरे भैया कुछ समझ नहीं मिला था, कहीं जो नहीं कोई ड्राइवर नहीं मिला था ना, अपने मौके करे ऊपर गाड़ी देखी थी कि अड्डा पर लगी है, गाड़ी में नहीं पता है किधर खड़ी है, कहाँ कहाँ है। आज तो बस वालों ने हड़ताल कर दी है, कोई बस नहीं चलेगी। तब फिर कहाँ खिंच जाए, कैसे हम लोग पहुँच? ऐसे में कितनी समस्या होगी? तो बहुत ज़्यादा समस्या है, कैसे पहुँचा जाए हम लोग जाड़े पर? जाड़े पर नहीं है यहाँ पर, तो कोई ठिकाना नहीं है। अयोध्या से? अयोध्या वापस जाना है? जी जी। कितने इंतजार कर रहे हैं, कितनी देर से? 2-3 घंटे हो गए, बहुत करना पड़ रहा है। कैसे जाएंगे घर? कैसे जाएंगे? अब रात बिता के जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे और क्या। सुबह ट्रेन जाएगी फैया दिल्ली से जाएंगे। तो ड्राइवरों के ऊपर लगाया गया है कानून जो बनाया गया, क्या वो सही है या गलत है आपके हिसाब से? सही तो नहीं है लग रहा, सही नहीं है। उसकी सुरक्षा नहीं करेगा, उसका सुरक्षा क्या करेगा? मैं बहराइच से आया हूँ, बिटिया की रोज थेरेपी होती है मेडिकल कॉलेज में, और इसके कान की दिक्कत है, वही लिया थे। बताओ बस नहीं चल रही है, बच्चे को कैसे लाना ले जाना, कितना बड़ा रिस्क है, अब कैसे जाएंगे बताओ? ये कोई तरीका है? बस बंद कर दिया, सरकारी बसें तो चलनी चाहिए, प्राइवेट बंद हो गई तो कोई बात नहीं। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? हम सुबह मान लीजिए सुबह आए थे हम, हमारा काम 12 बजे हो गया था, 12 बजे से हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं और पता नहीं कब हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। प्राइवेट भी गाड़ियाँ नहीं चल रही कि हम अपने रुपये लगा के पहुँच जाएँ, बताओ कैसे जाएं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से भाई यही है कि गाड़ी चालू कर दे और बाकी जो ड्राइवर का जो इशू है वो समझ बूझ लें अपने, ताकि दूसरे का दिक्कत। ड्राइवर का इशू है क्या, वो सही है सरकार ने जो नया कानून लागू करने? भैया सही तो है ही है, गलत नहीं है। एक्सीडेंट करने पे जो है 10 साल की सजा? हाँ तो एक्सीडेंट जब ऐसा होगा ना तो वही हिसाब से ड्राइवर अपने हिसाब किताब से गाड़ी चलाएंगे ना, कि एक्सीडेंट ना हो। सरकार ने जो किया है गलत नहीं किया है, लेकिन ये है कि अभी वक्ती तो इंसान सबको दिक्कतें तो हो ही रही हैं, लेकिन सरकारी गाड़ी तो चलनी चाहिए, ये तो सरकार का काम है ना। सीतापुर? सीतापुर कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पे हो गया 45 मिनट। पता है कि बसों का संचालन आज बंद है, चक्का जाम किया है ड्राइवरों ने, समस्याओं का सामना? अब समस्या क्या, हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, घर पहुंचना था और हमको परसों फिर आना है यहाँ पे, तो वही समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं क्या करें। सर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतने कहना चाहेंगे कि हम लोग प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में हैं।